तो हरे जी नमस्ते, मैं पूजा सिंह अनुष्मोम किचन एंड ब्लॉग्स में आपका स्वागत करती हूँ। तो जी, मैंने बीच में ब्लॉग नहीं डाल पाई, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि नेट की काफी प्रॉब्लम थी और हम उस समय ट्रेन में भी सफर कर रहे थे, इस वजह से और भी नेट की प्रॉब्लम हो रही थी, तो मैं वीडियो नहीं डाल पा रही थी। तो बस मैं यहाँ तक का ब्लॉग मैंने दिखाया था आपको, जालियांवाला बाग हम गए थे, गोल्डन टेम्पल हम गए थे, और इसके बाद मैं वैष्णो देवी का ब्लॉग डालने के लिए जा रही हूँ। तो प्लीज ब्लॉग देखिएगा, और प्लीज जो नए हैं सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में लाइक शेयर और कमेंट आप जरूर कीजिएगा। अब सुलंग शुरू होगा हर चीज के लिए, झाड़ू मारना। तो जी, हम लोग कटरा पहुंच चुके हैं, अभी सुबह के लगभग 4:30 बज गए हैं, और अभी मेरे हस्बैंड होटल देखने के लिए गए हुए हैं। तो पहले हम लोग होटल देख लेते हैं, इसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ। तो ये देखिए, ये कटरा का जहाँ पे हम लोग होटल लेने के लिए रुके हैं, वहाँ का व्यू है। ये देखिए, यहाँ पे सारे होटल्स है। ये देखिए, इसके बाद हम लोग आधा एक घंटा आराम करेंगे, इसके बाद हम सुबह से चढ़ाई माता रानी के पास वैष्णो देवी के लिए करेंगे। ये जो आपको ऊपर दिख रहा है ना, वही माँ ऊपर है, बस वही हमें चढ़ाई करके जानी है माता रानी के दर्शन के लिए, वैष्णो देवी माँ को। तो मिलती हूँ मैं थोड़ी देर में आपसे। तो जी, हमने होटल ले लिया है, बस हमें एक घंटे के लिए ही चाहिए, क्योंकि शाम में जब हम वैष्णो देवी माँ का दर्शन करके रिटर्न होंगे तभी हम लोग निकल जाएंगे। तो बस एक दो घंटे के लिए हमने होटल लिया है। तो ये देखिए, अनुज पूरी नींद में है, अभी भी उसको नींद लगा हुआ पूरा। तो अब आगे जो चढ़ाई हम लोग करेंगे, जब जाने के लिए रेडी होंगे तब मैं आपको दिखाऊंगी सब कुछ। मिलते हैं थोड़ी देर में। तो जी, अब हम लोग वैष्णो देवी की यात्रा शुरू कर रहे हैं। कार रूट बना लिया है, इसके लिए देखिए कार बनाना पड़ता है इस तरह का, उसके बाद ही आप जा सकते हो। तो चलिए अब चलते हैं। अभी हम लोग बाघ गंगा जा रहे हैं ऑटो से, इसके बाद वहाँ से आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको पैदल जाना है या घोड़ा लेना है या पाथी लेना है, आपके ऊपर है। चलिए पहले बाघगंगा पहुंचते हैं, इसके बाद मैं मिलती हूँ आपसे। तो जी, आ गए हैं हम, अंदर प्रवेश कर चुके हैं, अब हम चलेंगे, देखते हैं कितना चल पाते हैं हम लोग माता रानी के दर्शन के लिए। तो ये देखिए, अब हम लोग चल रहे हैं, जय माता रानी। तो ये लिखिए, पहुंच चुके हैं माता के दरबार। तो जी, हम लोग कुछ देर के लिए रेस्ट के लिए बैठे हैं, इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। बस अब मुश्किल से आधा किलोमीटर बचा हुआ है माता रानी के लिए। ये देखिए, एकदम बादलों के बीच में है हम लोग। ये देखिए, तो जी माता रानी के दर्शन हो चुके हैं, अब हम लोग रिटर्न हो रहे हैं। तो जी, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम अमृतसर रिटर्न हो चुके हैं, और मेरी टिकट कल की है, मतलब नेक्स्ट डे की है। तो आज रात हम लोग यहाँ अमृतसर में स्टे कर रहे हैं। तो मैं आई हूँ टेरिस पे, तो आपको दिखाती हूँ अमृतसर शहर के रात का व्यू। ये देखिए,
थोड़ा नजदीक से आपको दिखाती हूँ मैं। ये जो सामने आपको दिख रहा है ना, ये गोल्डन टेम्पल है। हमने गोल्डन टेम्पल के नजदीक ही होटल लिया है। ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है, दिखाती हूँ आपको। गोल्डन टेम्पल नजदीक से कोशिश करती हूँ, यहाँ से देखिए। ये देखिए, ये जो आपको लाइटिंग दिख रही है ना, ये गोल्डन टेम्पल है। ये देखिए, थोड़ी देर में हम लोग देखते हैं। अगर वैसे हम लोग काफी थके हुए हैं, तो अगर हम लोग घूमने निकले तो मैं आपको दिखाऊंगी, नहीं तो फिर नेक्स्ट डे ही आपसे मुलाकात होगी। तो आज हम लोग आ गए हैं फिर से अमृतसर घूमने, क्योंकि हमारी टिकट है शाम की ट्रेन की। तो अभी हम लोग आए हुए हैं अमृतसर में हवेली देखने। तो यहाँ पर खाना वाना भी खा सकते हैं, घूम भी सकते हैं। यहाँ स्पेशली पंजाबी कल्चर को दिखाया गया है। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए, यहाँ पे अंकल जी हैं, बहुत अच्छे हैं, इन्होंने काफी हेल्प की हमारी। और ये हमें दिखा रहे हैं यहाँ पे। तो ये देखिए टीवी भी चल रहा है, यहाँ दो लोग बैठे हैं और बात भी कर रहे हैं और टीवी भी देख रहे हैं। आइए देखिए, दो बच्चे बैठे हुए हैं। जो उसका हार था उसको ऐसे इसकी भी जाती हो जाती है। अच्छा, मेरे अंकल जी बता रहे हैं कि पहले जब शादी हो जाते थे ना, तो उनके हाँ वो सब को इस तरह से टांग के रखा जाता था। ये देखिए, ये हवेली जो आए, वो जो गेस्ट सब है, वो उनकी फोटोज लगाई हुई है। जो सेलिब्रिटीज होते हैं वो सारे जो आए थे यहाँ, उनकी फोटोज है। ये देखिए, तो ये है डाकघर, जिसे हम लोग पोस्ट ऑफिस बोलते हैं। तो ये देखिए, पहले की कढ़ाई जिस तरह से हुआ करती थी सूट्स पे ना, उसकी भी झलक दिखाई गई है। ये देखिए, तो ये देखिए, जो सबसे पहले स्कूटर आया था ना, ये कठपुतलियां चलाई जाती है। ये